साल 2017 के स्वच्छता सर्वे में गंदे शहरों की लिस्ट में पहले पायदान पर रहने के बाद रेवाड़ी प्रशासन ने गंदगी के इस दाग को धोने के लिए काफी प्रयास किए हैं। अब नगर परिषद को उम्मीद है कि 2018 के सर्वे में स्वच्छ शहरों के टॉप 100 में उनका नाम आ सकता है। आपको बता दें कि 4 जनवरी से अलग अलग शहरों में स्वच्छता का सर्वे किया जा रहा है और सर्वेक्षण टीम रेवाड़ी पहुंची है, जो नगर परिषद को बिना बताए ही सुबह 4 बजे से अलग अलग स्थानों पर जाकर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही है। सर्वे टीम सफाई व्यवस्था के अलावा सफाई कर्मचारियों की संख्या, उनका ड्यूटी करने का समय और संस्थानों सहित लोगों से ओपिनियन भी ले रही है, जिसके आधार पर रेवाड़ी शहर को रैंक मिलनी है। साल 2016 के स्वच्छता सर्वेक्षण में रेवाड़ी गंदे शहरों की लिस्ट में टॉप 10 में था और 2017 में रेवाड़ी ने स्वच्छता में सुधार करते हुए 300 के लगभग रैंकिंग हासिल की। अब वर्ष 2018 के स्वच्छता के सर्वेक्षण में नगर परिषद को उम्मीद है कि टॉप 100 शहरों की लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। नगर परिषद ईओ का कहना है कि उन्होंने सफाई व्यवस्था बनाने के लिए अलग अलग बिंदुओं पर काम किया है और जिन संस्थानों की आवश्यकता है वो भी उनके पास जल्द आ जाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम अपनी सर्वे रिपोर्ट मई माह में देगी, लेकिन हमने रेवाड़ी की स्वच्छता को लेकर जब शहरवासियों से बात की तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद के पिछले दिन कुछ दिनों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काफी प्रयास किया है, जिसका असर दिखाई भी दे रहा है। सफाई व्यवस्था पहले से दुरुस्त हुई और ऐसे चलता रहा तो स्वच्छ शहरों की गिनती में रेवाड़ी का नाम भी होगा। बहरहाल स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए आई टीम बिना किसी को बताए अलग अलग स्थानों पर जाकर 2 दिनों तक अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और मई माह में जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तब साफ होगा कि किस शहर की स्वच्छता में कितनी रैंकिंग मिली है। अब देखना होगा कि रेवाड़ी शहर इस रैंकिंग में किस स्थान पर अपनी जगह बना पाता है। रेवाड़ी से अजय अत्री, आजाद टीवी न्यूज। क्या नाम आपका? सर जतिन। जतिन जी, क्या कहेंगे, स्वच्छता का सर्वे चल रहा है, क्या फर्क नजर आ रहा है आपको यहाँ रेवाड़ी में? सफाई व्यवस्था पहले से दुरुस्त है या फिर कैसी है? हाँ, पहले से तो काफी अच्छी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो शहर शायद नंबर 1 रैंक पे भी आ सकता है। अफसरों का काफी अच्छा, इस चीज को देखते हुए अच्छा रुख है, जो अपने कर्मचारियों का टाइम से करा रहे हैं सफाई वगैरह। 100 में से देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, जो सर्वे चल रहा है स्वच्छता को लेके, क्या लग रहा है, कितना फर्क नजर आ रहा है शहर में? शहर में मेरे को 19-20 दिखाई दे रहा है। पीछे नगर परिषद ने कार्रवाई करी अलग अलग जगह सफाई अभियान? एक्चुअली मैं तो गांव में रहता हूं, अभी बीकानेर गांव में रहता हूं। अच्छा, जो शहर में क्या? शहर में तो अब देखो सफाई तो थोड़ा दिखाई तो दे रही है। ठीक, हमने एक दो नाइट स्वीपिंग जो ना लगभग आज से 25 दिन पहले हमने शुरू कर दी थी, नाइट स्वीपिंग शुरू की है। उसके अलावा हमने अलग अलग वार्ड में बांट के अपने जो सुपरवाइजर से उनकी ड्यूटी लगाई है और जो जो गार्बेज के जो जहाँ ज़्यादा था वहाँ हमने ठीक करवाया है। इसके अलावा हमने जो हमारे कलेक्टिंग पॉइंट्स थे उनके ऊपर भी हमने काम किया है कि वहाँ पे जो चूना वगैरह जो सफाई करवा के भी वो कम से कम उसको गंदगी ना देखे। दिन में 2 बार सफाई की व्यवस्था का हमने किया है। कुछ जो हमारे जो इक्विपमेंट्स थे वो हमने परचेज किए हैं, उनके अंदर GPS वगैरह लगवा रहे हैं, वो शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो हम कर सकते थे वो जैसे नाइट स्वीपिंग का है, आपके अभी हम सर्कुलर रोड भी उसके अंदर ले रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम सर्कुलर रोड को भी रात को ही साफ करवा देंगे। तो इन सब चीज़ों की जो तैयारी थी वो हमने अपनी तरफ से पूरी की हुई है सफाई के लिए। अब तक हमारे पास 340 सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें 51 आदमियों की कमी है, जो हमने अपनी डिमांड के मुताबिक भेजा हुआ है। अगले एक वीक में शायद हमारे पास और डिमांड पूरी आ जाएगी। इसी साथ जो संसाधनों की बात करें, क्या पूरे उपलब्ध है अपने पास या कुछ रिक्वायरमेंट हो रहे हैं अभी? नहीं, अभी संसाधन हमारे पास पूरे हैं और हमने जो हमारी डिमांड थी उसके मुताबिक हमने पूरा कर लिया। अब 2-3 चीज़ों की हमें ज़्यादा दिक्कत थी तो वो हम और ले रहे हैं अभी, जैसे हमारी JCB है तो वो जैम पोर्टल जो हमारा गवर्नमेंट का है उसके ऊपर वो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी, उसके लिए उसको हम करेंगे। हमने एक आपके जो ना रिफ्यूज कलेक्टर मशीन है टाटा की, वो भी हमने ऑर्डर कर दिया है।